हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। परिवर्तन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, और उसी श्रृंखला में चेंज करने वाले हैं इस चैनल का नाम। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, पहले जो नाम था वो था मोटिवेटिंग मॉन्क, पर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेल आ रहे थे कि सर इस नाम से कुछ कंडीशंस क्लियर नहीं होती, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक मोटिवेशनल चैनल है। पर ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मेरा जो मेन एम टारगेट है वो आप लोगों को अवेयर कराना। फैक्ट्स जो नेशनल हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, करियर से रिलेटेड हैं, हेल्थ और इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं सारे एस्पेक्ट्स जो अपन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स इस चैनल के थ्रू अपन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का काम होता है राष्ट्र निर्माण का। शिक्षक का काम होता है अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिव थॉट्स देना और उनकी थॉट प्रोसेस से नेशन को बिल्ड करना। पर काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ लगातार कि हम हिंदुस्तानियों को अलग अलग जाति, धर्म, प्रांत के नाम पे डिवाइड किया जाता है, काट दिया जाता है, और उसका मेन एम टारगेट होता है पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए। दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया हथियार है अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने का। ये चैनल के माध्यम से मेरा मेन एम टारगेट होगा अवेयरनेस लाना, जो हमारे समाज में सोए हुए लोग हैं उनको जगाना, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को पैदा करना। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी सिर्फ एक माँ नहीं, दो माँ होती हैं। एक होती है मदर, जो माँ है, जो आपका ख्याल रखती है, और दूसरी होती है मदरलैंड, मातृभूमि, जो अन्न, जल, वायु के माध्यम से आपको जीवन प्रदान करती है। हमारा भी इस मातृभूमि के लिए कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जाति, धर्म, प्रांत में बटा ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए अगर कोई एक धागा है जो हम सबको एक धागे में पिरो सकता है, वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। दोस्तों, हमें लोगों की सोच, चेतना में ये बीज डालना है कि सिर्फ उनका घर नहीं है, पूरा ये राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक एक कण भूमि उनकी है, राष्ट्र पूरा उनका है, राष्ट्रवाद उनके लिए जिंदा होगा। ये पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उनका है, सारे लोग उनके परिवार के हैं, और इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ मिलिए और हम मिलके परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसका अभी आपने रिजल्ट एग्जांपल देखा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में। सोशल मीडिया के प्रेशर के कारण CBI इंक्वायरी स्टार्ट हो गई और उसके बाद आज नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। इसको अपन को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, सोशल मीडिया को। हो सकता है मेरी बात से अभी कई लोग हंसें कि सर आप क्या चेंजेस लेके आओगे, एक आदमी अकेले क्या लेके आएगा, आप सिर्फ वीडियो बनाओगे और देश बदल जाएगा। पर दोस्तों, ये मत भूलो, चाणक्य भी एक शिक्षक था, एक साधारण शिक्षक, पर उसने ठानी, मन में ठानी और नंद वंश खत्म कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, जबकि उसके पास तो रिसोर्सेज की कमी थी। मेरे पास तो आप लोगों की शक्ति शामिल है। अगर हम सब मिल जाएं तो परिवर्तन, चेंज ला सकते हैं, और इसीलिए मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम चेंजेस ला सकते हैं। इस चैनल का एम होगा हमारे सोए हुए समाज को जगाना, हमारे लोगों की थॉट प्रोसेस को बदलना। हम लोगों को अवेयर कराएंगे चीज़ों का, फैक्ट्स के बारे में। इसे मेरी कोशिश होगी कि आपको फैक्ट्स, प्रूफ देना, डाटा देना, और आपसे क्वेश्चंस पूछना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपकी थॉट प्रोसेस को खुद अपने आप डेवलप करना। हमारी कोशिश होगी कि हम मिलके उस सोए हुए समाज को जगा पाएं, जिससे लोगों को समझ में आ पाए कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा। तो दोस्तों, सिर्फ इस चैनल का नाम बदल रहा है मोटिवेटिंग मॉन्क से, नाउ इट विल बी सौरभ पांडे सर, जिससे कि मैसेज क्लियर हो पाए। ये चैनल जो है वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें भी अपन कवर करेंगे, जो कि आपके GS वगैरह में इंपॉर्टेंट होगी। साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको एनालाइज करेंगे, आपके करियर गाइडेंस, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, हेल्थ के बारे में, और साथ में फाइनेंशियल वर्ल्ड की भी इंफॉर्मेशन। और हमारा सिर्फ एक टारगेट होगा, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को जिंदा करना। हमारे दिल में यहाँ छोटा हिंदुस्तान जिंदा होना चाहिए। और दोस्तों, मुझे इस लड़ाई में आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, आपका साथ चाहिए।
आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाइए, शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। दोस्तों आज की अगर कंडीशन की बात की जाए तो 10-12 साल पहले से आज की कंडीशन में काफ़ी फ़र्क है। आज का इंडियन यूथ कह सकते हैं वो काफ़ी अवेयर है, उसको सारी चीज़ों का पता होता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया सारी इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट ब्रॉडकास्ट होती है और उसके थ्रू उसको पता है, उसको समझ में आता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। और हमारी भी यही कोशिश होगी इस चैनल के माध्यम से, इसके थ्रू गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल लीडर्स को फैक्ट्स के बारे में अवगत करा सकें। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा उनको भी समझ में आना चाहिए, और अगर हम खुश नहीं हैं तो उन हमारी नाराज़गी उनके सामने तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसीजन को चेंज करें या फिर मॉडिफाई करें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर अपन जुड़ते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं तो परिवर्तन ज़रूर आएगा। जब चाणक्य ने ये काम किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं और आप मिलेंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।